बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारा टॉपिक इसी QSO कानूनी शहादत 1984 से हिंदी में असं चैप्टर 1 ते 2 पढ़ते पे से। जिहड़ा चैप्टर 1 ने वो डेफिनेशन दे बारे है कि डेफिनेशन जिहड़े विच ना हुंदे विच कोड की डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, फैक्ट की डेफिनेशन है हुंदे बारे। तो पहली डेफिनेशन करना पे कोड की, करना पे कोड तो मुराद क्या है। QSO दे विच कोड तो मुराद सिविल क्रिमिनल दोहाई कोर्स हैं। ये दोहाई सिविल दे विच भी QSO अप्लीकेबल है ते क्रिमिनल दे विच, लेकिन हिंदी जिहड़े सालसी दी जिहड़ी कोर्ट्स होंदे ना आर्बिट्रेटर हुंदे विच हिंदी एप्लीकेशन एप्लीकेबल कह नहीं, लेकिन सिविल ते बाकी सारे दे विच कोर्ट। सैकेंड है बी क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कानून शहादत क्या होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होगा वो हमारा डॉक्यूमेंट है। वो कोई पत्थर थी सकते, कागज़ थी सकते, कोई खाल थी सकती, या कोई ऐसी चीज़ है जैसे सा एज एविडेंस वो रिकॉर्ड थी कि वो सारा डॉक्यूमेंट है। फैक्ट्स क्या है, स्टेट ऑफ थिंग कि जिहड़ी एक्चुअल मौजूदा जिहड़ी सूरत हाल है वो कोई फैक्ट्स आखो। नंबर नेक्स्ट एविडेंस, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स रिक्वायर्ड बी मेड बिफोर इट बाई विटनेस, मतलब कि जिहड़ी जिहड़ा गवाह है जिहड़ा अपना बयान देंदे वो सारी क्या है एविडेंस है, शहादत है, गवाही है। ये हिंदा चैप्टर 1 दे 3-4 जिहड़े आर्टिकल हैं उन्हें दी डेफिनेशन है। चैप्टर 2 ऑफ विटनेस जिहड़ा QSO दा सैकेंड चैप्टर है वो विटनेस के बारे है, गवाही के बारे है कि गवाही क्या होंदी है, कौन गवाही दे सकते, कितने गवाह होंगे, क्या सूरत होने बारे डिटेल है। सीना पे आर्टिकल नंबर 3 हु मे टेस्टिफाई कि कौन गवाही दे सकता है। हिंदी में त्रै चीज़ा होंगे में मेन ही चैप्टर डिस्कस करे सी। पहली है कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, नंबर सेकंड एडमिसिबिलिटी ऑफ विटनेस, नंबर नेक्स्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। मतलब कि एक विटनेस दिया त्रै डिफरेंट स्टेज हैं। पहली हुंदी कंपिटेंस है कि आया कोई कंपिटेंट है या कहना, अहलियत काबिल है या कहना। नेक्स्ट है अगर काबिल है कि वो हुंदी गवाही एडमिसिबल है, काबिल कबूल है या कहना। नंबर नेक्स्ट जो अहम है क्रेडिबल के कंपिटेंट भी है, एडमिसिबल भी, क्रेडिट भी है, मीन टू से जो क्रॉस एग्जामिनेशन थींदा पे उन्हें हुंदी जी क्रेडिबिलिटी होंगी है ना तो साबित करनी होंगी, क्रेडिबिलिटी शेक करनी होंगी, यानी कि उनकी जी सच्चाई है या सच्चे होने का भी जिम्मे ना सच उदाहरण है वो डिसक्रेडिट करना होंगे। कोई होंगे ज फैक्ट या हों कोई एक्ट एविडेंस क्यों को कोशिश करनी होंगी कि उनकी क्रेडिबल ना रहे। अगर वो क्रेडिबल कह नहीं रहा अल्टीमेटली होंगे एडमिसिबल कह नहीं, एडमिसिबल वल पिछे हाथ होंगे जैजिकल कंपिटेंट भी कह नहीं। ये होंगे त्रै चीज़ा एक विटनेस दी होने, कंपिटेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। हिंदी हिंदी सर के कौन गवाही दे सकता है, किसको एडमिट करना है और कौन एडमिट नहीं करना, किसको एडमिट नहीं करना, एक कोर्ट फैसला करे सी। मतलब कि वह पे जो क्रेडिबिलिटी किसी भी गवाह के किरदार को ख़राब करार देना है, मतलब कि थे वो साबित कर गए अपोजिट काउंसिल को साबित कर गए बंदा कितने इन किरदार या इस तरह डिसक्रेडिट है तो उन्हें अगेंस्ट लावे सी। इन बाद ऑल परसन कैन बी कि वो अदा पे हु में टेस्टिफाई देते हैं, जवाब अदा पे बच्चा है, बूढ़ा है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मर्द है, औरत है, वो होंगे सिर्फ दू चीज़ा अदा पे होंगे हैं वो गवाही दे सकते हैं। एक तो सवाल समझ सके और उसको दुरुस्त जवाब दे सके कि ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ही मे आंसर द रैशनल आंसर। मतलब कि रह सब पिछले एग्जाम्पल लेंदे भी कोई बच्चा आवेंदे या कोई बुढ़ा आवेंदे, कोई आवेंदे हूँ क्या दिन कुछ पूछते हैं भी तो कौन है, वो अपना नाम दस दें, अच्छा कौन कौन है, कितना खड़ी, मैं कौन हाँ, जज साहब दिन मैं कौन हाँ, ये वर्दी खड़े ने, ये कौन ने, पुलिस वाले ने। अगर वो सारे जवाब इन प्रॉपर जवाब दे देते, सवाल इन जवाब दे देते, ही इज़ कंपिटेंट टू विटनेस, गवाही के काबिल है। हिंदी जो QSO का पहला तो कोर्ट जी ना मेन जो फोकस थीम होना QSO कानूनी शहादत है कि कोर्ट कुरान सुन्नत के मुताबिक गवाही ली जाएगी, कि हुंदी जी पहली प्रेफरेंस है कि वो हुंदी अकॉर्डिंग अप टू द मार्क कुरान और सुन्नत के हिसाब से हुई। सेकंड, अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर गवाह मौजूद नहीं है तो किसी भी गवाही की गवाही ली जा सकती। मिसाल तौर पर हूँ कोई इंज है कि उनकी उस तरह की नहीं पूरी आंदा पिया होना उनके चीज़ें देते कुरान और सुन्नत के मुताबिक,
अगर कोई हूँ और अवेलेबल है तो हूँ भी गवाही गिधी बन सकती है। हिंदी मिसाल कोई इंजे दे सकते कि हूँ कोई इंजा ऑफेंस थे कि अंदर उन्हें तो वो मुस्लिम कह नहीं खड़ा ना मुस्लिम खड़े तो वो भी हूँ गवाही दे सकते हैं मौके तो कह नहीं अगर हाँ मौके मतलब कि अगर मजबूरी है अगर हूँ आप तो मार कह नहीं कुरान सुनने के मुताबिक तो उतना वाला कोई भी बंदा भी कॉम्पिटेंट है। अगों सर हिंद आर्टिकल 3 पढ़ते पिया से हिंद नाल ही आर्टिकल 17 असं चले गए से 17 नाल असं परसों 4 तो लैके 14 तक आर्टिकल 3 वल नैक्सट 4 तो 14 तो 17 ये मिक्स जो कंसैप्ट लिहाजा ना को मिलाते पढ़ते पे से। अच्छा हूँ जोड़ा है आर्टिकल 4 तो 14 सर वो मैं दिसा पे आर्टिकल 3 है ना आर्टिकल 3 पढ़े से हूँ मैं टेस्टिफाई हूँ अस पढ़ते पे से आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक 4 तो लेकर 14 तक कि ये जड़े ने कंसैप्ट जो ना मिलते जुलते ना ही वजह तो कट्ठे लैक्चर एक तैयार किए ना हूँ अस आर्टिकल पढ़ते पे से 4 गुणा 14 तक हिंदी में प्रिविलेज कम्युनिकेशन से प्रिविलेज कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि वो कर इमीग्रेशन जैद को हुने कोई खाक हद साल है प्रिविलेज का कि तुम उन्हें को हमें कंपेल नहीं वे कर सकते विटनेस देवन कि ना मजबूर नहीं वे कर सकते अगर देश वन तो वेल एंड गुड अगर नहीं देवन चाहते तो उन्हें को जबरदस्ती नहीं वे कर सकते। हिंदी पहला 4 नंबर चाहता पे मजिस्ट्रेट साहब है मजिस्ट्रेट जज साहब है कि तुम विटनेस नहीं वे कॉल कर सकते गवाही नहीं हो सकते। नैक्सट है 5 आर्टिकल 5 मैरिज कम्युनिकेशन है मियाँ बीवी की कम्युनिकेशन है आपस की वो एज ए बीवी एज ए विटनेस नहीं बन सकती अपने बंदे की इवें बंदा भी अपनी बीवी का एज ए विटनेस नहीं बन सकता मैरिज कम्युनिकेशन के। नैक्सट है सर आर्टिकल नंबर 6 स्टेट अफेयर्स कोई रियासती मामलात होंगे खिलाफ भी तुम गवाह नहीं बन सकते। नैक्सट है सर 7 आर्टिकल ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब कि ऑफिस के कोई मामला दें तुम मुलाजिम है ऑफिसर है तुम एज ए डॉक्यूमेंट्स कोई एज ए विटनेस नहीं वे बन सकते। नंबर 8 कमीशन ऑफ ऑफेंस हिंदा मतलब आदा भी अगर कोई ऑफेंस की इतलाह दें कि हूँ जिम्मे अक्सर लिखा होंगे कि अगर कोई कातिल होंगे हेड मनी है उनके कोई इतलाह है कि वो इतलाह दें हुकूमत को या कोर्ट को या पुलिस को कि बंदा फलानी जाते बैठे हिंदी में इतला लेंदा पे हूँ भी तुसा हूँ जो ना सिगा राज रखा हुए हूँ तुसा उनको डिस्कलोज नहीं कर सकते कमीशन ऑफेंस ये आर्टिकल इतला देने वाले का नाम सिगा राज में रखा जाएगा ये हूँ राइट है बेसिक राइट है मुखबिर का राइट है गवाही नहीं गिन सकते और हूँ अगर गवाह तरह हूँ तो इतला भी दे दी हूँ को नहीं आ सकते कि मलिक नदीम या साजिद खान साहब को इतला दी आख नहीं वो तुम्हारी गवाही नहीं बन सकती इवन कि हो भी सही आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 वकील क्लाइंट के खिलाफ गवाह नहीं बन सकता मिसाल के तौर पर क्लाइंट आ उतक सारा राज दुनिया से सी खड़ा वो अपोजिशन कभी एक क्लाइंट वकील साहब को चला गए तुसा हूँ एज ए तुसा विटनेस नहीं बन सकते। नंबर 10 इवें भी आता पे कि मुंशी भी गवाह नहीं बन सकता मतलब कि क्लर्क है वकील साहब का वो भी एज ए गवाह नहीं बन सकता। नंबर 11 एक अच्छा गवाही अपनी मर्जी से नहीं दे सकता मतलब कि इन गवाह कहने के उठी थे चला गए कि मुकदमे दे भी गवाह बन गए हूँ को बकायदा उनका नाम लिखने को समझ जा रही थी एज ए गवाह पेश थी सी इवें कहने के कोई बंदा मानते अपनी गवाही दे दे सी ठीक हो हाँ परमिशन है और बकायदा उनका नाम होना चाहिए होंगे बिच ना हिंदे बिच सारे जिवें हाई कोर्ट है जो अपना चौधरी महमूद साहब जरा वजीर आदा आर्टिकल नंबर 12 कोई किसी की गवाही के लिए मजबूर नहीं यानी कि कहीं को गवाही देवन कि मजबूर नहीं वे कर सकते आर्टिकल 12। आर्टिकल नंबर 13 हाँ अगर उसका नाम दावे में नहीं है तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता पहले अगर वो गवाह है एज ए गवाह गवाह नहीं पेश सकता अगर उन्हें गवाह के तौर पर उन्हें ना कहनी अगर एज ए दावत ऑलरेडी उन्हें ना कहनी पार्टी कहनी मैंशन पार्टी कहनी तो उन्होंने एज ए बाद भी होंगी एज ए पार्टी गवाह नहीं पेश दी सकता आर्टिकल नंबर 13 के मुताबिक। आर्टिकल नंबर 14 रिकॉर्ड कीपर मतलब कि रिकॉर्ड कीपर जिम्मे जज साहबान रीडर हैं क्लैरिक्स हैं या कोई रिकॉर्ड कीपर कोई स्टैनो वगैरह वो एज ए
हूँ शायदा एज ए हूँ चीज़ को एज ए गवाह या डॉक्यूमेंट्स एज ए गवाह गवाही नहीं पेश कर सकता जो रिकॉर्ड की पा रहे लोग ना कि ऑफिस के हूँ चीज़ तो उन्होंने क्या है जी असं पहले पढ़ते पे से प्रिविलेज कम्युनिकेशन विटनेस हैं उनके आते हैं कि वो नहीं एज ए गवाह पेश कर सकते। 14 नंबर 15 इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन मतलब कि कहीं कोई इनक्रिमिनेटिंग जो इनक्रिमिनेट नहीं होंगी कोई परसनल है या उनका कोई उनके क्वेश्चन नहीं वे कर सकते कोई हद तक होंगे चीनी पे या उनका कोई बिल्कुल जिम्मे मैं गैर मौजू हाँ गैर बिल्कुल गैर मौजू ये सही लफ्ज़ बोले गैर मौजू सवाल नहीं वे कर सकते जो होंगे अकॉर्डिंग टू।